नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था, जो लगातार अंदेशा जताया जा रहा था, वही आखिरकार सच साबित होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। अमेरिका को यह अल्टीमेट दिया गया था कि 31 अगस्त तक अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ देगा। तालिबान की तरफ से यह अल्टीमेट दिया गया था और आज 31 अगस्त की वो तारीख आ गई है। लेकिन इस तारीख से पहले किस तरह से वहां पर समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस तरह से ISISK ने अमेरिका के खिलाफ एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया है। और अमेरिका ने जो रॉकेट दागे हैं वहां पर, उन रॉकेट की वजह से जो नुकसान हुआ है, उससे कहीं ना कहीं तालिबान भी अब अमेरिका को सीधे चुनौती दे रहा है, सीधे धमकी दे रहा है तालिबान भी कि आपने जो किया है वो ठीक नहीं है, ये हमला है। ये शब्द जो है वो तालिबान की तरफ से कहे गए हैं। क्या कुछ जो है वो आज होने वाला है। आज बड़ा दिन है, 31 अगस्त शाम तक जो है वो कहा गया है कि अमेरिका आज छोड़ देगा अफगानिस्तान को। और जो एयरपोर्ट, काबुल का एयरपोर्ट जो अभी तक अमेरिका जिसको चला रहा है, जहां पर अमेरिका का अभी तक जो है पूरा होल्ड है, वो अमेरिका अब उस काबुल के एयरपोर्ट को भी छोड़ देगा, ये बताया जा रहा है। और आज 31 अगस्त की तारीख रात के बाद में वहां से कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ेगी, ये तालिबान की तरफ से पहले से कहा गया है, पहले से ही तय कर दिया गया था। लेकिन खबर इस बीच में एक ऐसी आई जिसने पूरे घटनाक्रम को बदल दिया। ये खबर आपको बताते हैं कि इस तरह से खबर जो है अब सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल ये खबर आप देखिए, ये खबर है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन में हमला, 6 बच्चे मारे गए, परिवार ने बताया है। ये जो है वो एक हिंदी वेबसाइट पर खबर लगी है और इसके साथ साथ टोलो न्यूज ने भी ये खबर लगाई है। USA एयर स्ट्राइक इन काबुल ऑन संडे किल्ड 10 पीपल, 10 लोग जो है वो मारे गए हैं, जिसमें 6 बच्चे हैं। और ये अमेरिका की तरफ से एक ड्रोन अटैक किया गया था, मानव रहित एक ड्रोन के द्वारा जो है वो अटैक किया गया था। एक गाड़ी खड़ी थी घर के सामने और उसमें अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसमें जो इस्लामिक स्टेट के साथ में जुड़ा हुआ था और इसीलिए हमने उस कार के ऊपर हमला किया। ये कार जो लाल रंग की कार आपको नजर आ रही है, लेकिन इस हमले के बाद में वहां पर 10 लोगों की मौत हो गई, 6 जिसमें बच्चे थे। अभी खबर आपको जो है थोड़ा विस्तार से आपको एक खबर बताते हैं। अफगानिस्तान में एक परिवार के लोगों ने BBC को बताया कि अफगानिस्तान के एक आत्मघाती हमलावर को निशाना बनाकर जो ड्रोन से हमला किया गया था, उससे उनके 10 रिश्तेदार मारे गए हैं, जिनमें 6 बच्चे थे। रविवार को इन लोगों ने घर के सामने खड़ी कार में हमला हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका सेना ने कहा है कि उसके हमले में एक वाहन को निशाना बनाया गया था, जिससे कम से कम एक व्यक्ति ऐसा था जो इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ था। उसने ये भी कहा कि हमले की वजह से शायद पास में मौजूद लोगों को भी निशाने की जद में आ गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस घटना की जांच कर रहे हैं, मगर उन्हें यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि 10 लोग कैसे मर गए हैं। उन्होंने एक बयान में यह भी कहा है कि ड्रोन के बाद में एक शक्तिशाली जो है वो धमाका हुआ था। यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। और जो रॉकेट दागे गए थे काबुल एयरपोर्ट के पास से, जो रॉकेट दागे गए थे, उन रॉकेट की जो है वो जिम्मेदारी ले ली है ISISK ने, इसकी जिम्मेदारी ले ली है। ये खबर आप देखिए, इस्लामिक स्टेट ने ली काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले की जिम्मेदारी। इस्लामिक स्टेट की अफगान शाखा ने कहा है कि सोमवार को काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट के पीछे उसका हाथ था। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के ISISK ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि यह हमला कामयाब रहा, मगर अधिकारियों का कहना है कि 5 रॉकेट को पहले ही पकड़कर नष्ट कर दिया गया था। अमेरिका ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि ISISK 31 अगस्त की वापसी की डेडलाइन से पहले काबुल एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश कर सकता है। ISISK ने पिछले सप्ताह गुरुवार को एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। इसमें 170 अफगानी नागरिक और अमेरिकी सेना के 13 सदस्य जो है वो मारे गए थे। तो इन 2 हमलों के बाद में जो है वो पूरी तरह से मामला जो है वो बदल गया, तस्वीर बदल गई है। यही जो है आप खबर देखिए। टोलो न्यूज की एक और खबर है, USA एयर स्ट्राइक हिट सुसाइड बॉम्बर टारगेटिंग काबुल एयरपोर्ट। ये एसोसिएट प्रेस की जो है ये न्यूज है। तो पूरी जो है वो तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और अब ऐसे में दिखाई नहीं दे रहा है कि आज की रात को जो है वो अमेरिका काबुल को खाली कर देगा, अफगानिस्तान से चला जाएगा, ये दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी को लेकर के देखिए, आज तक ने भी इस पर खबर की है, अमेरिकी स्ट्राइक वर्सेस खुरासान का रॉकेट। तो एक तरफ अमेरिका की तरफ से जो है वो एयर स्ट्राइक की जाती है, जिसमें ड्रोन के द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें अफगानिस्तान के बच्चे भी मर रहे हैं, 6-6 बच्चे एक साथ में मर गए हैं, कुछ लोग भी मरे हैं।
और उसके बाद में जो है वो खुरासान ISIS का के खुरासान जो है एक प्रांत है, उसने रॉकेट जो है वो दाग दिए हैं अमेरिका की तरफ और अमेरिका के साथ में एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया है। तो सवाल ये है कि जिस तरह से ये लगातार समीकरण बदल रहे हैं, ऐसे बदलते हुए समीकरण में क्या आपको लग रहा है कि वहां पर ये अमेरिका जो है वो चला जाएगा छोड़ करके? क्योंकि हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका जो अंदेशा हमने 3-4 रोज पहले भी इस बात में बताया था कि अमेरिका वहां पर ऐसी सिचुएशन चाह रहा है कि ये दिखाया जाए कि देखिए अफगानिस्तान के अंदर जो है वो हालात ठीक नहीं है और इन खतरनाक हालात के अंदर अफगानिस्तान को छोड़ करके अमेरिका नहीं जाना चाहता, ये जो है वो बताया जाएगा अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका हो सकता है कि फिर इसको लेकर के हफ्ते 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने का जो है वो एक्सटेंशन मांगे। लेकिन तालिबान की तरफ से साफ कर दिया गया है, अभी तक तो जो है ये खुरासान की तरफ से हमला हो रहा है, लेकिन तालिबान ने भी साफ किया है कि अगर 31 अगस्त तक अमेरिका यहां से छोड़ करके नहीं जाएगा तो फिर हमला हमारी तरफ से भी अमेरिका को झेलना होगा। अमेरिका वहां पर दो तरफा जो है मार झेल रहा है, एक मार जो है वो ISI की तरफ से वो झेल रहा है, दूसरी मार जो है वो तालिबान की तरफ से होगी अगर आज की रात के बाद में जो है वो अमेरिका यहां से खाली नहीं करता है। सवाल यह है कि जिस तरह से यहां पर काबुल के अंदर तालिबान की एंट्री हुई, शांतिप्रिय ढंग से एंट्री हुई, लेकिन उसके बाद में ये पिछले 4-5 रोज से जो माहौल वहां पर बदला है, जो हमले हुए हैं जिसमें अमेरिकी नागरिक भी मारे गए हैं, अमेरिकी सेना के जवान भी मारे गए हैं, कुछ अफगानिस्तान के वो भी नागरिक मारे गए हैं, इन हमलों के पीछे किसकी क्रोनोलॉजी है? कौन इन हमलों के पीछे जो है काम कर रहा है? कौन है जो ये चाहता है कि माहौल ऐसा ही बना रहे? और सबसे ज्यादा शक की सुई जो है वो अमेरिका की तरफ ही जा रही है। अमेरिका की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि अमेरिका वहां पर लंबे समय पर होल्ड बनाया हुआ था और अमेरिका का जो होल्ड बना हुआ था उस सब कुछ देखते हुए और अमेरिका की जिस तरह से वहां पर सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही थी, ऐसे में ये मुमकिन नहीं दिखता है कि वहां पर इतनी जल्दी अटैक हो जाता। और जबकि बड़ी बात यह है कि वहां से लगातार जो है नागरिक निकल रहे थे और खुद अमेरिका की तरफ से जो है दावा किया गया है करीब 14 लाख के करीब जो है वो लोगों को निकाल लिया गया है, ये अमेरिका की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। तो सब कुछ अगर शांतिप्रिय ढंग से हो रहा था तो फिर ये अटैक क्यों हुए? इसके पीछे मकसद क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है अगर तालिबान की तरफ से यहां पर अटैक होता और ISIS-K की तरफ से अगर अटैक होता, हालांकि वैसे ISIS-K जो है इसमें जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन 31 अगस्त से पहले अटैक होना ये शक की सुई जो है पैदा कर रहा है कि 31 अगस्त से पहले ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है वो सारी निगाहें लगी हुई हैं अफगानिस्तान और तालिबान के ऊपर और अमेरिका को लेकर के कि आज की रात अमेरिका का रुख क्या रहता है और अमेरिका क्या वाकई इसको खाली करके निकल जाएगा या अमेरिका जो है वो यहां पर अभी कुछ और भी उसको करना बाकी है। इस खबर को शेयर करिए ताकि लोग अमेरिका, तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की परिस्थितियां वहां पर बनी हुई है, लोग इस बात को जो है वो आसान भाषा में समझ सके, इसलिए इस खबर को शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।